नमस्कार मैं हूं डॉक्टर जैन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू इन डिस्कस अबाउट फार्माकोकाइनेटिक इन ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एमसीक्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि टू थाउजेंड फार्मासिस्ट में पूछा जा चुका है ड्रग विच आर लो परिटी आर कॉल्ड एस जो ड्रग हाईली सोलबल होती हैं और लो परमेबल होती हैं उनको बीसीएस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किस कैटेगरी में रखा गया है आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्लास फोर बी क्लास वन सी क्लास थर्ड क्लास डी क्लास सेकेंड तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको फार्मा रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जॉब अपडेट स्टडी मटेरियल रिलेटेड या फिर आपको स्ट्रैटेजी वगैरह से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है सभी कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है के डी में आपने देखा होगा आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेन बी वन सी हंड्रेड एगेस्ट्रॉम डी नन ऑफ द वॉप तो इसका राइट right आंसर है सी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आपके जो भी कोई ड्रग आप एडमिनिस्ट्रेड करते हो वो एब्सॉर्ब होती है एबजॉर्ब होने के बाद फिर ब्लड में आती है और ब्लड के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है ठीक है तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उस, उसकी जो आ, थिकनेस होती है वो हंड्रेड एंड स्ट्रांग होती है और ये जनरली मेड अप होती है फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल पोलर ग्रुप लाइक ग्लिसराइल फॉस्फेट अटैच टू द इथेनलोमाइन कोलिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोलेस्ट्रॉल तो ये इतने टाइप के इसमें इंग्रेडिएंट्स से मिलके ये बनी हुई होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय जब कोई ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू एब्सॉर्ब होती है तो ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है आपके ऑप्शन है पेसिड डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन बी स्पेसलाइट ट्रांसपोर्ट सी ए एंड बी बोथ डी ऑफ नफ तो इसका राइट आंसर है बोथ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड बी स्पेस लाइक ट्रांसपोर्ट तो इनमें फिर फर्दर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि एंडोसाइटोसिस हो गया पिनोसाइटिस हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो कि आपने बायोफार्म और फार्मास जो फार्माकोलॉजी है सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे पेसिव डिफ्यूजन या फिर आपने ये देखिए डायग्राम के थ्रू तो हम देख सकते हैं कि जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो कोई डोजिस फॉर्म है एक्सेप्ट आई बीप आई बी में डायरेक्टली हम ब्लड में इंजेक्ट करते हैं लेकिन जैसे ओरली हम लेते हैं कोई भी ड्रग तो वो क्या होती है डोजेस में होती है जैसे कैप्सूल हो गया तो उससे रिलीज होती है ड्रग रिलीज होने के बाद सॉल्यूशन में आती है सॉल्यूशन होने के बाद वो ड्रग एब्सॉर्ब होती है बाई डिफरेंट मैकेनिज्म जैसे कि पेसेप डिफ्यूजन हो गया फिल्ट्रेशन हो गया स्पेशलाइट ट्रांसपोर्ट हो गया जिसके थ्रू वो ब्लड में आती है ब्लड के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में वहां पर वो प्रोटीन से बाइंड होती है या फिर अपने जो रिसेप्टर्स होते हैं पर्टिकुलरली साइट ऑफ एक्शन पे आके उनसे बाइंड होती है और फिर फर्दर अपना मैकेनिज्म जो है उसका मैकेनिज्म है वो एलिसेट करती है देन पैरेलली क्या होता है कि वो हेपेटिक में भी जाती है लिवर में जाती है वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है ठीक है नेक्स्ट किडनी के थ्रू जैसे यूरिन में हो सकता है स्वेट में हो सकता है सलाइवा से हो सकता है फेसेस के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो सकता है थर्ड क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ ड्रग क्रॉसेस मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाय तो सबसे ज्यादा मोस्टली फॉलोड मैकेनिज्म कौन सा है पेसिप डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पेनोसाइटोसिस इसका राइट right आंसर है पेसिप डिफ्यूजन मेनली इन्वॉल्व होता है आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए ठीक है तो इसमें जनरली जो इन्वॉल्व होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जब ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की ओर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं This is the most important mechanism for majority of drug. Drug are foreign substance like genobiotics and specialized mechanism are developed by the body primarily for normal metabolites. The next question is viability of drug refers to Biability the Percentage of drug administered dose that reaches systemic circulation in the unchanged form. Ratio of the oral to parental dose, see ratio of the orally administered drug to the to that एक्सक्रीटेड इन द फेस रेशियो ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन इन दिन बायोबिलिटी यही होता है कि जब हम कोई भी ड्रग एडमिन करते हैं तो कितना ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है अनचिंथ फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ विच टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब रिक्वायर सेलुलर एनर्जी तो किस टाइप के जो एब्जॉर्ब मैकेनिज्म हमने देखे थे प्रीवियसली पढ़े जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट uh, हो गया या फिर डिफ्यूजन हो गया डिफ्यूजन हो गया तो उनमें से किस मैकेनिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर ट्रांसपोर्ट नन ऑफ द इसका दाइट right आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सिक्स क्वेश्चन है ड्रग ब्रेन ब्लड ब्रेन बेरियर विच रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मैनी ड्रग इन ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जो ब्लड ब्रेन वेरियर है वो किससे मिलकर बना होता है जी प्रोटीन कुछ एंजाइम भी होते हैं जैसे माउस हो गया, हो गया पी ग्लाइको प्रोटीन इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन भी होते हैं तो वो भी अवेलेबल होते हैं तो इसका correct answer है, डी ऑल ऑफ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बेरियर तो इट इज इसके ऑप्शन हैं इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडलरी एंडियल टीसूस इट अलाउ पैसेज ऑफ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग इंटू द ब्रेन इट लिमिट एंट्री ऑफ द हाईली आयोनाइज ड्रग इंट द ब्रेन इट रेगुलेट दैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रेन इंटू द ब्लड तो इसका राइट आंसर है डी इट रेगुलेट दैसेज ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम द ब्लड इंटू द ब्रेन इनटू टू द ब्लड इट रेगुलेट नहीं करता जस्ट लिमिट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग का होता है वो किस पे डिपेंड करता है लिपिड सॉलिबिलिटी पे आयोनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच एच एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन एंड डी ऑल ऑफ द वम इसका राइट right आंसर है डी ऑल ऑफ द वम क्योंकि लिपिड सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्रासाइक्लिन एक्यूमुलेट इन विच ऑर्गन तो जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है जो कि एंटीबायोटिक है वो किस ऑर्गन में एक्यूमुलेट uh, होती है तो इसका राइट right आंसर uh, इसके ऑप्शन हैं बोन बी टीथ सी एंड बी बोथ डी नन ऑफ दाइट आंसर है बोन एंड टीथ बोथ क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो dis वगैरह टीथ भी करता है और ये बोन में भी डिपोजिट होता है तो जनरली टेट्रासाइक्लिन वगैरह होती है उसको मिल्क के साथ भी नहीं लिया जाता है क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है तो उसको क्यूलेट कर लेता है नेक्स्ट है क्लोरोक्विन क्लोरोक्वीन इन क्लोरोक्विन किस ऑर्गन मेंट होती है बोन टीथ रेटिना नन ऑफ दाइट आंसर है रेटिना में अक्यूमलेट होती है तो ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है फार्मासिस्ट एग्जाम्स में कर्निक टेरस इज कॉज बाय एक्सेस ऑफ करने जो एक डिसीज होती है इन्फेंट्स में वो किसके कारण होती, तो तो कि होती, होती है और कौन सा आ, एंटा, आ, उसमें यूज किया जाता है ग्लूकोज की एक्सेस से कौन सी डिसीज होती है तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्मीज वॉट डज एक्रोनिम एडीएमई स्टैंड फॉर एडीएमई का मतलब क्या होता है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोल

आपकी इसका राइट आंसर है एसिटाइलेशन यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है फेज वन एंड फेज टू आप यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होती है फेज वन में और फेज टू में होती है कॉन्जुगेशन विद सल्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन एंड एसाइल मिथाइल ग्रुप कॉन्जुगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर विच कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज कौन सा फैक्टर इसमें से ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है ए है डिजॉल्यूशन रेट बी पार्टिकल साइज सी लिपिड सॉलिबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर है बहुत सिंपल है ऑल ऑफ द क्योंकि डिजोल्यूशन रेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ड्रग अवेलेबल होगी एब्जॉर्प्शन के लिए पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगी लिपिड सोलिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी क्योंकि लिपिड लाइक लाइक तो जो मेब्रेन होती है वो लिपिड की होती है तो ये जनरली एब्जॉर्ब होते हैं तो ऑल ऑफ का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग मेटाबोलिज्म ऑकर चीफली इन कौन से ऑर्गन में ड्रग मेटाबोलिज्म होता है लिवर ब्रेन स्प्लीन और किडनी तो इसका राइट right आंसर है लिवर ठीक है ब्रेन में जनरली जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं और वो मेमोरी फंक्शंस के लिए जो हमारी कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लीन जनरली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है और किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन से रिलेटेड हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसके ऑप्शन हैं इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग फैसिलिटेट द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग मिनिमाइज द ड्रग इंटरेक्शन जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग तो इसका राइट right आंसर है जो उसकी हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है और एक्शन होगा हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक होगा पढ़ा होगा जनरली जब किडनी फंक्शन फेलियर होते हैं या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी हमें डायग्नोसिस uh, करना होता है तो क्रिएटन लेवल जनरली मेजर किया जाता है तो क्रिएटन क्लियरेंस यूज एज मेजरमेंट ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट पेसिव रीनल एब्जॉर्ब डी ड्रग मेटाबोलिज्म रेट तो इसका राइट right आंसर है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल आपको यदि याद होता है तो इसको याद कर लीजिए कि कौन सा कानेटिक्स ये फॉलो करता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तो इसका राइट आंसर है जीरो ऑर्डर तो इसको याद करना है आपको एल्कोहल एल्कोहल जीरो ऑर्डर काइनेटिक आपका फॉलो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है विच एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व ऑन विटामिन बी ट्वेल्व एबजॉप्शन तो ये आपको याद रखना है कौन सा जो मैकेनिज्म होता है वो आपका बी ट्वेल्व एबजॉप्शन में रिस्पॉन्वॉल्व होता है फैसेलेटेड डिफ्यूजन

मैकेनिज्म होता है उसमें फॉर्मेशन होता, तो होता है और विटामिन के थ्रू होता है तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी होगी एमसीक्यूज भी अच्छे लगेंगे तो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए थैंक यू नमस्कार